awesome. Very good, very good. Very good, very good. चलो रिलैक्स हो जाओ. है मुझे तो जानते हो आप लोग. क्या नाम है मेरा? राकेश. क्या नाम है? हाँ. और मैं आपके गांव में कल कितने दिन हो गए? परसों. परसों 25 तारीख. अभी आज कौन सा डेट है? 27. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह पर साहब जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे आप लोग के बीच. कुछ आप लोग को ज्ञान मिला? हाँ, ये देखिए दीपू जी जान रहे हैं 25 जी जानते हैं. मोदी जी एक दिन बढ़ा दिए. बहुत अच्छा. मोदी जी ताली बजाओ. मोदी ताली जी ताली बजाइए. मोदी जी की. अब हम लोग ना एक अच्छी चीज सीखेंगे कि गुड टच बैड टच. टच क्या होता है? स्पर्श. टच जैसे मोबाइल में आप लोग टच करते हैं. टच मतलब क्या? छू रहे हैं मोबाइल. घिस रहे हैं मतलब. टच मतलब छूना. जैसे अब मैं पैर छू लिया निकाल तो कौन सा टच हुआ? संस्कार वाला. गुड टच अच्छा. और बैड टच जैसे अब ये बैठे हैं और ये जैसे मैं लड़का हूँ ये लड़की है. अब मैं ऐसे स्पर्श कर लिया. अब ये स्पर्श क्या हुआ? ये भावना यहाँ चेंज हो गई. यहाँ क्या सा बैड टच हो गया. कौन सा? बैड टच. हमेशा कौन सा टच हमें करना है? गुड टच. गुड. कौन सा? गुड. गुड टच. अच्छे संस्कार वाला. चलिए अब आप लोगों को गुड टच के बारे में बैड टच के बारे में सर ने बताया. यानी कोई आपको कैसे छूता है, क्यों छूता है और हमें कैसे जानना है कि वो अच्छा स्पर्श है कि बुरा स्पर्श. ठीक है. तो आप लोग पैर छूते तो क्या कहलाता है? पैर छूते तो अच्छा स्पर्श. गुड टच. और जब मम्मी पापा ऐसे करते हेलो कैसे हो तो कैसा लगता है? गुड टच. जब मम्मी प्यार से गले लगाती है और खूब मजे से करती है तो कैसा लगता है? गुड टच. आपको अंदर से बहुत ऊर्जा मिलती है ना. अच्छा लगता है. सबको बताने का मन करता है. करता है कि नहीं करता? और सारा दिन लगता है वाह आज तो मम्मी ने प्यार किया. 10 रुपए बताएंगे आज. है ना. तो जो चीज दिल को खुशी दे, बताने का मन करे और लगे कि आज मुझे बड़ी शक्ति मिली है वो अच्छा होता है. क्या होता है? जिसे बताने में भी शर्म नहीं आती है और दिल अच्छे के लिए धड़कता है. ठीक है. वेरी गुड. अब बुरा स्पर्श क्या होता है? चुप रहो चुप रहो. मैं बैठा है. हाँ बैठे बैठे रहो. सबको मिलेगा चॉकलेट. हाँ किसी से बुरे काम के लिए छूना. जैसे आपके शरीर को कितने लोग पहचानते हैं? ये क्या है? नाक. ये क्या है? ये क्या है? गाल. इसको पहले बोलते पप्पी. ये क्या है? अर्जुन. और ये क्या है? और ये क्या पापा गए भैया कोई घर पे बच्चे जो नहीं आए. तो अभी सर्दी है. हमने पूरे कपड़े पहने हैं. पूरे कपड़े पहन लिए. सर को दे दीजिए. बार बार टॉफी देख रहे थे. हमने कहा पहले टॉफी वितरण ही कर दिया जाए. अब टॉफी मिल गया ना. अब बात वाली टॉफी लीजिए. अच्छी अच्छी चीज. ये टॉफी जीवन भर काम आएगा. ये तो तुरंत चुक जाएगा. पेट भर जाएगा. लेकिन जो टॉफी सर दे रहे हैं वो जीवन भर टॉफी काम आएगा. बेटा आप भी बैठो. ठीक है. तुम बहुत अच्छी लड़की हो. आज तुम पैसा बचाओगी तो कल पैसा तुमको बचाएगा. तो पैसा खाने पीने. अच्छा ठीक है. अभी रखो रखो रखो. वेरी गुड. ताली बजाओ बच्ची के लिए. हाँ तुम तो भी अच्छे बच्चे हो. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. जब मैं बोलने के लिए बोलूंगा तभी कोई बोलेगा. इस बीच में कोई नहीं बोलेगा. सिर्फ सुनेगा और जो एक्टिविटी बोलूंगा वही करना है. ठीक है. तो हम बात कर रहे थे अभी सर्दी का टाइम है. हमने पूरा शरीर का कपड़ा पहना है ना. तो कितना शरीर हमारा दिख रहा है? हाथ उठाओ जो दिख रहा है. हाथ दिख रहा है. चेहरा दिख रहा है और पैर दिख रहा है. अब सर्दी बहुत है तो मेरा बस इतना ही दिख रहा है. टोपी वोपी सब पहन रखा है. लेकिन इसको पहन के नहाने जाओगे क्या? नहीं है. इसको तो उतारते हैं तब भी कुछ कपड़े पहने रहते हैं. कौन से कपड़े पहने रहते हैं लड़के? एक तो चड्डी पहनते हैं जिसे इनर वेयर बोलते हैं. और बच्चियां भी पहनती हैं कुछ ना कुछ. एक नीचे पहनती है एक ऊपर पहनती है तब नहाती है ना. तो हम
जिन चीजों को ढक के रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा अनसेफ है। क्या है? हमें कोई उसको देखे हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता, वह हमें बुरा लगता है। तो जब हम नहाते वक्त जिन चीजों को नहीं दिखाते हैं उन पार्ट को हमें छुपा के रखना चाहिए। वो कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? चेस्ट, छाती है, जंगा और बैक। ये हमारा दिखाना बताना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यदि कोई बैठ जाए वीडियो में आ फिर काम करे इधर मौके ले जा काम करे हाँ इधर सामने खड़ी है छाती ठीक है आगे जंगा और पीछे जो है जो कुल्ला का हिस्सा है जहाँ पे हम लोग अंडरवेयर पहनते हैं या चड्डी पहनते हैं या स्विमिंग के समय जब नहाने जाते हैं जिन कपड़ों को पहनते हैं अगर कोई इसको छूटा तो क्या कहलाएगा बैड टच। क्या बोलोगे? क्या करोगे? और कैसे बोलोगे अगर कोई छुएगा तो? हाँ नो। क्या बोलोगे? मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है। जोर से बोलो मुझे पसंद नहीं है। हाँ इतनी जोर से बोलना कि वो डर जाए और दोबारा वो टच ना करे। लेकिन कौन छू सकता है? कौन तुमको प्यार करता है? तुम्हारे करीब कौन है? मम्मी। अगर लड़की है तो मम्मी और लड़के हैं तो मम्मी पापा दोनों छू सकते हैं। ठीक है? हाँ वेरी गुड। मम्मी नहलाती है, देखिए बच्चा कितना अच्छा है, इसको मालूम है नहलाती तो मम्मी छू सकती है, इसीलिए तो मोदी जी है। और कभी कभी जब आप कभी बीमार पड़ जाते हो तो कौन छूता है? मम्मी नहीं, डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर कब छूएगा? जब मम्मी या पापा में से कोई एक सामने होगा। कौन? हाँ, अगर मम्मी पापा नहीं है तो कौन होगा? जिस पे हम विश्वास करते हैं, जिस पे हम बस बस थोड़ा सा हाँ कर रहे हैं हो रहा है। उसके बाद एक कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे हम जैसे दादा दादी हो सकते हैं और परिवार का सुनो केवल सुनो बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ जाइए आप लोग भी आगे बैठ जाइए कुछ उधर बैठे जाइए आप लोग भी बैठे जाइए उधर खड़े हो जाइए उधर जाइए आप लोग भी जाइए उस साइड बैठ के हमारा मोबाइल लाइए वो रखा है चाय रखी है क्या बगल में वो भी लाइएगा मैं पिया नहीं हूँ शायद चालू रखिए सर कंटिन्यू ये मेरी है बोलो यह बॉडी मेरी जोर से बोलो यह बॉडी मेरी है ये बॉडी मेरी है जोर से बोलो यह बॉडी मेरी है इसको कोई मेरी मर्जी के बिना छू नहीं सकता बोलो यह बॉडी मेरी है बिना मेरे मर्जी के कोई छू नहीं सकता। हाँ अब बुरा क्या होता है अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से छूता है तो क्या होता है Without my permission, don't touch anybody, my body. और पैर कांपता है, इसको बताऊंगा तो मुझे मारे होता है ना दिल घबराता है कैसे भागता है हाँ और आंखों में शर्म बैठो बच्चे आप किसको बताओगे रोज शाम को मम्मी को मम्मी के पास जाते हो मम्मी पूछती है ना तो रोज मम्मी को बताना है हाँ मम्मी बैठो बेटा बैठो मम्मी जो है जब आपको डेली शाम को जब बात हो तब अपनी मम्मी को ये बताना है कि आज मैंने ये काम किया घर से दूर नहीं जाता जाओगे क्या कोई तुम्हें टॉफी देगा तो जाओगे मैंने दिया तो कैसे लिए मैं तो अनजान आदमी हूँ ना कह दीजिए नहीं आप अनजान नहीं है आप हमारे गुरु हैं बोलो अच्छे और बुरे का पहचान कर सकते हैं क्या
क्या बुरे आदमी की सींग होती है, पूंछ होती है क्या, उसके बड़े दांत होते हैं, वो हमारे जैसे दिखते हैं, हम अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर सकते, लेकिन कोई हमें कैसे छूता है उससे अच्छे और बुरे का फर्क किया जा सकता है। अरे बेबी सामने ध्यान, सामने टाफी और बटेगा, सामने ध्यान दीजिए, जिससे हमें बुरा लगता है, पैर घबराता है, शर्म आती है, खाना खाने का मन कम लगता है, तुरंत मम्मी को बताना है कि आज इसने मेरे को ऐसे छुआ, मान लो कोई ऐसे हाथ पकड़ा है ना, तो आपको महसूस होता है ना कि उसने अच्छे नियत से छुआ कि गलत नियत से, तो तुरंत जाके मम्मी को बताना है। कैसे बताओगे मम्मी को, अगर मम्मी पापा नहीं सुनेंगे तब, मान लीजिए मम्मी पापा बोले छोड़ो जाने दो कोई बात नहीं, तब किसको बताओगे, जिसपे हम अंकिता यादव, जिसपे हम क्या हुआ, जिसपे हम अंकिता यादव ने भाभी होगा, अंकित यादव दीजिए, जोर से बोलो, जिसको हम विश्वास करते हैं। जी सर बोलिए। हाँ अगर कोई बोलता है बेटा इधर आओ मैं तुम्हें टॉक, हाँ सर बोलिए, क्लास चल रहा है, तब हमें भागना है ऐसे, किधर भागना है, या तो घर की तरफ भाग, हाँ ये सर आइए आइए, थोड़ा राकेश कुमार पांडे जी से मुलाकात हो जाए, जाओ अंकित है नीचे बुला लाओ, थोड़ा सा मुलाकात करा दीजिए सर से, हाँ अंकित जाओ नीचे, कहाँ है आप, खड़े जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ मेरे घर आ जाओ भाई, क्यों मुलाकात कर रहे हो, बचाओ 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 जोर से, बचाओ बचाओ, ऐसे तो कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, समझो तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता पड़ गया, जान बचा रहे हो, आ जाइए सर थोड़ा सा वीडियो बन रहा है, कोई तुम्हें कमरे में कोई ऐसा भाई बहन चाचा चाची कोई तो जाओगे, अवस्थी सर, ईशान अवस्थी सर, सर सर एक्सक्यूज मी सर, एक बच्चा ईशान अवस्थी सर उधर गए हैं, आप इधर बैठो, आप जो है पहले किसको बताओगे, हाँ अगर कोई बोले कि चलो हम तुम्हें घुमाने लेके जाते हैं दरवाजे से, तो किसको बताओगे, जब नहीं नहीं बैठ बैठ आराम से बैठ, वेरी गुड, चलो ये ईशान के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा बच्चा है, ताली बजाओ, अंश गुप्ता, तो किसको बताओगे सबसे पहले, चलिए अंश गुप्ता, हाँ अगर घर में भी कोई अगर आपको टॉफी दे रहा है और कमरे में ले जाके तुम्हें बुरा स्पर्श कर रहा है तो किसको बताओगे तुरंत, हाँ अगर मम्मी पापा को नहीं सुनी मैं तो किसको बताओगे, जिसपे हम विश्वास, मतलब जब जाते तो मम्मी का हाथ पकड़ के चलते हो ना, तो ये विश्वास है, ऐसे ऐसे पकड़ के चलते है ना, ऐसे पकड़ के चलते हैं, हाँ तो पापा को बताएंगे, ताली बजाओ, हाँ वेरी गुड, और अगर कोई नहीं सुने तब आपको फोन चलाने आता है, एक नंबर याद करो जादुई नंबर है 10 9 8, कितना 10 9 10 9, जब कभी इसकी आवश्यकता हो आप इस पे फोन करोगे, कोई ना कोई विश्वास सर, एक आपकी मदद करने, उसमें रटवा दी इन लोग को, उल्टा देख लो 8 9 10, अगर इस साइड से नहीं याद हो रहा है उल्टा याद कर लो 8 9 8 9, देखो वहाँ उसमें बोर्ड पे देखते रहो 8 9, हाँ ठीक है बच्चों 8, हाँ 10 9 8, नहीं क्या सीखे आज, याद करने की ट्रिक बता रहे थे, बैड टच, तो अब मैं रिपीट करूंगा, मैं जिसको छूंगा तुम मुझे बताना गुड है कि बैड है, अगर कोई हाथ मिला रहा है तो वो गुड टच, वेरी गुड, कोई तुम्हारे गालों को गुली गुली कर रहा है घर में प्यार से तो गुड टच, कोई ऐसे बालों को छू रहा है वाओ तुम कितने अच्छे बच्चे, तो क्या है गुड टच, और कोई पैर छू रहा है तो गुड, लेकिन अगर कोई तुम्हारी छाती पे हाथ लगा रहा है तो बैड टच, तुम्हारे इसको छू रहा है तो बैड टच, और इसको कोई छू रहा है तो बैड टच, चलो ताली बजाओ अपने लिए सब लोग, वेरी गुड, अब अगली बार ये मैं पूछूंगा आप लोगों से है ना, हाँ और कोई अगर आपको छूता तो कैसे बोलोगे, नो मुझे पसंद, कोई बैड टच करेगा तो क्या बोलोगे, मुझे पसंद, तुरंत किसको बताओगे, वेरी गुड वेरी गुड, बेबी के लिए ताली बजाओ, चलो तुम लोग सभी अच्छे बच्चे हो, अब मुझे जाने दोगे, थैंक यू, मुझे जाने दो, एक ग्रुप फोटो बनाते आ जाओ, ओके सर, अरे वाह, ये भी है ये दूसरा, ये दूसरा डबल टॉफी, आयुष गुप्ता डबल टॉफी, हाँ मोदी जी को ट्रिपल टॉफी, मान सिंह को डबल टॉफी, उसको वीडियो भेज देना, अंकित सर हमारे आ गए, अंकित यादव सर उनके लिए ट्रिपल टॉफी, आइए सर आइए, बच्ची को भी दीजिए, ये भी बच्चा है मेरा, बाय, अरे हमारे छोटे दिया, अच्छा ये फोटो होगा, आइए कैमरे पे ऐसे घुमा, ये लीजिए आइए सर आइए, कैमरा ऊपर की तरफ दीजिए, अरे लिए रहिए सर लिए रहिए, घर आइए फोटो हो रहा है, अरे पांडे जी,
नहीं टॉफी ऊपर ना वो टॉफी अंदर टॉफी नीचे रखा है टॉफी नहीं दिखाती बेटा टॉफी जेब में डालो आज हम लोग प्रयागराज में हंडिया ब्लॉक है वहाँ पे 13 खास करके एक गांव है वहाँ पे एक छोटे से पूरे में है जहाँ पे सर विवेक कुमार जी जो है बच्चों को अपने माध्यम से शिक्षा देते हैं और इनका ये प्रयास बहुत ही अथक और बहुत क्रांति है। 3 दिन से हम यहाँ पे हैं गांव के बीच में बच्चों से मिले आसपास के कई पूर्वों में गए और कुछ हमने समीक्षा की है और बेटर हम क्या कर सकते हैं उस पर हमने विचार किया है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ के बच्चों को भी हम जैसे आजमगढ़ में हमने बच्चों को तैयार किया है उसी तरीके से यहाँ के बच्चों को भी हम एक नया दिशा देकर इस आधुनिक युग में उनको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विवेक सर के माध्यम से और इनकी टीम के माध्यम से कुछ बेटर कर पाएंगे। और बहुत अच्छा लगा विवेक साहब का प्रयास देखकर कि इतने बच्चे हैं सुबह सुबह अंकित यादव जी भी आए हुए हैं और ये सारे बच्चे हाथ ऊपर करके हेलो करो ये हेलो और ये बच्चे अगले साल तक बड़े हो जाएंगे जिनको आज गुड टच बैड टच की हमने ट्रेनिंग दी है। ठीक है बच्चों तो आजमगढ़ में मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे सहयोग करते हैं सबको बोलो थैंक यू मुझे जो सपोर्ट करते हैं सबको थैंक यू बोलो सर थैंक यू आजमगढ़ वेरी गुड बंद कर दीजिए।